हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मैक्स वेबर के आदर्श प्रारूप की अर्थात आइडियल टाइप की। मैक्स वेबर के आदर्श प्रारूप की जो अवधारणा है वो एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसके अंतर्गत उन्होंने अपनी सारी जितनी भी उनकी थ्योरीज हैं उनका एक आइडियल टाइप प्रस्तुत किया है और उसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। वेबर के हम आदर्श प्रारूप को समझने से पहले हम ये बात करेंगे कि पद्धति शास्त्र क्या है, और उसको जैसे कि हम इंग्लिश में यदि पूछें तो वो मैथडोलॉजी कहलाती है, वेबर्स मैथडोलॉजी। ठीक है, समाजशास्त्रीय अध्ययनों व सिद्धांत निर्माण में वेबर के पद्धति शास्त्र की एक महत्वपूर्ण देन है। वेबर ने प्राकृतिक विज्ञानों और समाजशास्त्र में प्राकृतिक घटना और सामाजिक क्रिया के आधार पर भेद किया है। प्राकृतिक विज्ञानों में सार्वभौमिक नियम पाए जाते हैं जो सभी समय, स्थान और कालों में समान होते हैं। वेबर ने कुछ विशेषताएं भी बताई है अपने पद्धति शास्त्र की, वो मैं आपको इसके पीडीएफ में आपको दे दूंगी, किंतु मैं एक बार उनको बोलना चाहूंगी आपके लिए कि वेबर ने समाजशास्त्र में सामाजिक क्रियाओं के अर्थपूर्ण अवबोधन को समझने पर बल दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि प्राकृतिक विज्ञानों की भांति सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए हम कार्य और कारण के संबंधों के आधार पर व्याख्या करने पर जोर देते हैं। साथ ही वे कहते हैं कि वेबर सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए तुलनात्मक अध्ययन पद्धति अपनाने की बात करते हैं। इस विधि के द्वारा हम दो समाजों और घटनाओं की समानता और असमानता का तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर सकते हैं। वेबर सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए एक आदर्श प्रारूप के निर्माण पर जोर देते हैं, और आदर्श प्रारूप का निर्माण वास्तविक जीवन में कुछ विशिष्ट और महत्वपूर्ण तथ्यों और विशेषताओं को चुनकर किया जाता है। आदर्श प्रारूप न तो कोई वास्तविकता के समान है और न ही औसत विशेषताएं हैं इसमें। इसका संबंध नैतिकता और मूल्यांकन से भी नहीं है। यह एक ऐसा अध्ययन तंत्र है जिसके आधार पर हम घटनाओं को समझते हैं। नेक्स्ट, वेबर ने कहा है कि समाजशास्त्र में सब कुछ के अध्ययन को उचित नहीं मानते, क्योंकि सब कुछ का अध्ययन कुछ नहीं का अध्ययन होता है। इसीलिए कुछ घटनाओं का चयन करके ही हम अध्ययन कर सकते हैं। अंत में वेबर कहते हैं कि समाजशास्त्र में क्या है का अध्ययन होना चाहिए, न कि क्या होना चाहिए का। अच्छा, बुरा, सही, गलत, उचित और अनुचित के आधार पर मूल्यांकन की व्याख्या की जाती है, वैज्ञानिक आधार पर नहीं। अब हम बात करेंगे कि वेबर का आदर्श प्रारूप क्या है। तो वेबर ने सामाजिक घटनाओं को समझने की दृष्टि से 1904 में सर्वप्रथम अवधारणा प्रस्तुत की थी आदर्श प्रारूप की। वेबर की यह स्पष्ट मान्यता थी कि केवल जटिलता रहित और स्पष्ट अवधारणाएं ही उस अनुसंधान का मार्ग सुगम बनाती हैं जिनके माध्यम से सामाजिक व सांस्कृतिक प्रघटनाओं के विशिष्ट महत्व का पता चलता है। वेबर के पूर्व भी आदर्श प्रारूप की किसी न किसी रूप में चर्चा की जाती है, और उनसे पहले जो समाजशास्त्री हैं जैसे डिल्थे, एडमंड हर्सल, सीमल, हेनरिच रिकर्ट, रुडोल्फ विंडवेल आदि के विचारों से ने भी आदर्श प्रारूप की अवधारणा दी है। और यह भी कहा जा सकता है कि आदर्श प्रारूप की अवधारणा वेबर का कोई आविष्कार नहीं है, बल्कि वो पद्धति शास्त्र विधि से जुड़ी हुई आदर्श प्रारूप पद्धति का विचार, उस विस्तृत विचार विमर्श का परिणाम है जो वेबर के योगदान से बहुत पहले ही हो चुका था। अब हम बात करते हैं कि वेबर के आदर्श प्रारूप की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो पहली हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठता की। वस्तुनिष्ठता से मतलब होता है
कि घटनाओं को जैसे है उनको वैसे प्रस्तुत करना। दूसरी उनकी विशेषता है कि ऐतिहासिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। वेबर कहते हैं कि प्राकृतिक घटनाओं का तो हम वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते ही हैं, साथ ही हमें ऐतिहासिक घटनाओं का भी वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना चाहिए, तभी हम उसकी साइंटिफिक स्टडी हम बता पाते हैं। तीसरा उन्होंने बताया है कि तार्किक अध्ययन। अब तार्किक अध्ययन क्या होता है, जिसमें हम लॉजिक को लेते हैं कि कौन सी घटना यदि घटी है तो उसके पीछे कौन कौन से कारण हैं, यदि ये कारण ना होते तो क्या वो घटना घटती, तो उसको हम लॉजिक अध्ययन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वास्तविकता के आधार पर अध्ययन, मतलब जो चीज़ जैसी है उसको उसी रूप में प्रस्तुत करना, उनको ज़्यादा तोड़। देखिए सामाजिक घटनाएं हैं, ये समाज पर भी डिपेंड करती हैं, इनका एक अपना फिनोमिनोलॉजी होती है जिसके अंतर्गत हम घटनाओं का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सामाजिक घटनाओं की तर्कसंगतता। तर्कसंगतता मतलब क्या होती है कि हर सामाजिक घटना के पीछे किस तरीके के या कौन से कारण होते हैं, यदि हम उन घटनाओं का चुनाव करते हैं तो हमारे आदर्श प्रारूप का निर्माण हम कर सकते हैं। तो वेबर के कुछ इस तरह के विशेषताएं थी जिनको कि मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब हम बात करते हैं कि वेबर के पद्धति शास्त्र के निष्कर्ष क्या हैं। तो वेबर के पद्धति शास्त्र के निष्कर्षों में आदर्श प्रारूप का विशेष महत्व है। आपने सामाजिक वास्तविकता को समझने के लिए तथा उसके बारे में सामान्य नियम को जानने के लिए इस अवधारणा का प्रयोग किया है। आदर्श प्रारूप का निर्माण वास्तविक तथ्यों के आधार पर तर्कसंगत रूप से भी किया जाता है, फिर भी यह वास्तविकता के बराबर नहीं होता है और न ही वास्तविकता के औसत होता है। अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगी कि वेबर के आदर्श प्रारूप में पद्धति शास्त्र का बहुत महत्व है। आपने सामाजिक वास्तविकता को समझने के लिए तथा उसके बारे में सामान्य नियमों को जानने के लिए इस अवधारणा का प्रयोग किया है। वेबर आदर्श प्रारूप को अन्वेषणकर्ता के अध्ययन का एक यंत्र मानते हैं, जिसका प्रयोग वह घटनाओं की समानताओं असमानताओं को ज्ञात करने के लिए करता है। तुलनात्मक अध्ययन भी इसकी एक मौलिक विधि है। अंत में मैं इतना ही कहूँगी कि वेबर का आदर्श प्रारूप उनकी एक महत्वपूर्ण संरचना है, उनका एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है जो कि हमारे समाजशास्त्रीय समाज में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। धन्यवाद।